Assalamu alaikum, dear students. I am again coming with a topic, and that topic are most of the students are considering this topic to be a stop. But dear students, if you have strong hold on vectors, then I think things will seem to be as very, very easy. And the topic that I am going to announce here is the topic that is again projectile motion. But dear students, today's projectile motion is motion in projectile motion in an inclined plane. So I am going to discuss this thing here. See, dear students, okay, very nice. देखो बेटे क्या है तो आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा ओके वेरी नाइस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इनक्लाइनर प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इनक्लाइनर प्लेन. देखो बेटा क्या है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये टफ है सर, समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अरे कुछ भी नहीं है, क्या है, समझ लो बेटा, वेक्टर स्ट्रांग होनी चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है. ओके वेरी नाइस, लेट अस कम टू द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इनक्लाइनर प्लेन. ओके वेरी नाइस सी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहां बेटा क्या करूंगा, ऐसे देखो बेटा, यहां मेरी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज हियर इट इज ग्राउंड लेवल, एंड लेट दिस प्लेन इज एन इनक्लाइनर प्लेन हियर, लेट दिस प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द horizontal with the direction with the ground level of earth with the ground level of earth. Okay very nice. See dear students, to mera topic hai projectile motion in an inclined plane. Dekho beta kya, see dear, this is here inclined plane, net this is inclined plane. Let us take this to be as the name of this is to be as, see beta ye hai ki maine iska naam liya OM, और मान लीजिए बेटा ये है कि ये यहां मैंने इसको ले लिया ओ ए, दिस ओ ए इज हियर इंक्लाइनर प्लेन, एंड डियर स्टूडेंट्स दिस ओ एम इज ग्राउंड लेवल हियर. ओके द एंगल दैट दिस इंक्लाइनर मेक्स विद दिस ग्राउंड लेवल इज थीटा जीरो थीटा नॉट, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल फॉर्म बाय द इंक्लाइनर प्लेन विद द ग्राउंड. ओके इट इज यूजुअली कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा नॉट इज व्हाट हियर स्टूडेंट, थीटा नॉट हियर इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ओके वेरी नाइस, देखो बेटे क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब बेटे क्या करूंगा, सी डियर वेरी नाइस, अब क्या अब मैं यहां लॉन्च करूंगा एक बॉडी, आई विल थ्रो फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज ऑन दिस इंक्लाइनर प्लेन, और यहां एक ऐसी जा रही है बेटा, एक ऐसी मैंने किया सी डियर. ओके मैंने यहां लॉन्च किया ऐसी बॉडी, ऐसी ऐसी बेटा, देखो बेटे क्या किस पर प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज अगेन आई एम थ्रोइंग दिस विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, बट दैट इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद व्हाट डायरेक्शन बेटे, ये थीटा बनाती है विद द ग्राउंड लेवल, दिस थीटा इज एंगल दैट दिस u मेक्स विद द ग्राउंड लेवल. आई एम थ्रोइंग हियर बॉल लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट इट विल अकर हियर अ पैराबोलिक पाथ एज पर प्रोजेक्टाइल मोशन. तो बेटा ये कौन सी पाथ अडॉप्ट करेगी, ये करेगी प्रोजेक्ट पाथ ऑफ पैराबोला, द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पाथ दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल दैट इज पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विल बी हियर ए पैराबोला. ओके वेरी नाइस सी डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है यहां, नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने थ्रो की ये यहां दिस इज इनक्लाइनर, सपोज यहां पर इस पॉइंट पर एक्सेट्रा किया, मान लीजिए ये पॉइंट ये है. Okay, see dear students. Now, what is theta here? Theta is angle between. It is angle between. यहाँ लिखेंगे angle between u vector and ground level. Okay, u is making an angle. U vector that is initial velocity is making an angle theta with this ground level. Okay, this theta naught is the angle of inclination that this inclined plane makes with the ground level. Okay, see now. आप क्या है, देखो देखो बेटे क्या यहां मालूम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मालूम करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है मालूम, यहां बेटे क्या क्या मालूम करना है, पहले क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, दूसरी बात क्या करना है बेटा, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, ये भी डिटरमाइन करना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिटरमाइन करना है, और तीसरी बात क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज
कौन सी तीन बातें यहां मालूम करनी है, क्या क्या मालूम करना है? टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो बेटा आप क्या करेंगे, ये दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव टू डिस्कस हियर एंड आई हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हियर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो बेटा क्या, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन एंड डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू रिजर्व हियर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। आई कैन से दैट ईच एंड एवरी वेक्टर वी हैव टू रिजर्व दिस इनटू एक्स एक्सिस एंड वी हैव टू रिजर्व दिस इनटू वाई एक्सिस, ठीक है ना। देन आई हैव टू टेक सेपरेटली इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेपरेटली इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज एक्स एक्सिस द इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस आर गोइंग हियर इंडिपेंडेंटली एंड separately. Okay, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां सी डी एक्स टू। नाउ आई एम रिजॉल्विंग दिस, टेक दिस एज एक्स एक्सिस, यहां इसको एक्स एक्सिस नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स एक्सिस और इसको बेटा यहां मानेंगे, इस एक्सिस को मानेंगे वाई एक्सिस। आई बात समझे, सेट मैंने खोद किया यहां, ऐसी बेटा लिखा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी ये कौन सी एक्सिस ले ली एक्स एक्सिस, ये कौन सी यहां मैंने सेटअप किया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेटा कौन सी एक्सिस ले ली एक्स एक्सिस और बेटा ये कौन सी एक्सिस ले ली वाई एक्सिस। ओके वेरी नाइस, यहां मैंने ऐसी भी दिखाया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सी नाउ नोटिस यू आई हैव थ्रोन यू एंड इट मूव्स अलोंग दिस एंड फाइनली स्ट्राइक हियर। नो आई विल रिजॉल्व दिस यू अलोंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। तो रिजॉल्व ये कौन सा कंपोनेंट, ये यू इसके साथ क्या बनाता है, इसके साथ ये बनाता है, इसके साथ क्या बनाएगा थीटा, थीटा माइनस थीटा नॉट। आई बात समझ में, देखो बेटा क्या, दिस यू मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस ग्राउंड लेवल बट इनक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। तो यहां से यहां तक कितना एंगल आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक थीटा, यहां से यहां तक थीटा नॉट, तो यहां से यहां तक कितना थीटा माइनस थीटा नॉट। तो वट एंगल यू मेक्स विद द दिस इनक्लाइन प्लेन, दैट इज थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो रिजॉल्व क्या करेंगे, रिजॉल्व यू अलोंग कहां, अलोंग बेटा एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, एंड अलोंग बेटा कहां वाई एक्सिस। रिसॉल्व करेंगे यू को अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पता ये कौन सा कंपोनेंट होगा यू का, यहां एंगल है थीटा माइनस थीटा नॉट, तो ये होगा यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, क्योंकि एंगल कितना है यहां से यहां तक थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यू का कंपोनेंट यहां क्या है बेटा, यू का कंपोनेंट यहां क्या होगा, यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यू का कंपोनेंट यहां क्या होगा बेटा, यहां गुड, यहां क्या होगा बताए, यहां होगा यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। कौन सा कंपोनेंट यहां बताइए बेटा, यहां वाई एक्सिस की तरफ यू का कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए, कौन सा, ये वाई एक्सिस है, यहां वाई एक्सिस यहां होगा, इसका कंपोनेंट यहां लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, बिकॉज हियर इट मेक्स थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यू का यहां यू का थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहां ये नहीं बनाता है, तो यहां कौन सा कंपोनेंट होगा यू का, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। आई एम रिजॉल्विंग हियर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड आई विल टेक इक्वेशंस ऑफ मोशन सेपरेटली अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो बेटा क्या, आई बात समझ में, ओके वेरी नाइस। तो इनिशियल वेलोसिटी का पता चला, दैट इज यू कॉस थीटा, कहां है यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, हियर इज अलोंग एक्स एक्सिस, और बेटे ये लिखेंगे एंड यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट हियर इज अलोंग, कहां है अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट्स। देखो एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व करना है, लेकिन टाइम को रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। ओके वेरी नाइस, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद द टू डायमेंशनल मोशन। सीडीएल आप देखो तमाशा बेटा, ये आई बात समझ में। हाँ यहां जी क्या है, देखो बेटा क्या है, जी यहां वर्टिकली डाउन, बिकॉज अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन यहां कैसी होगी, ऐसी नीचे होगी। देखो बेटा क्या, समझाएंगे आपको, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, तो सब कुछ आसान, मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो थोड़ा टफ, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, वेक्टर्स पता होनी चाहिए। देखो बेटा सीरियल, देखो यहां बताइए, ये है प्लेन और ये है, मैंने आपको दिखाया था ना कि जबर याद रखना था, मैंने कहा था कि बेटा जहां से इस क्वेश्चन का सोचना खत्म हो जाएगा वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन का सोचना शुरू हो जाएगा। ओके वेरी नाइस, सीडियर स्टूडेंट्स दिस इज योर ग्राउंड लेवल। देखो बेटा ये बेटा कितना है यहां थीटा नॉट, और बेटे देखो अगर यहां से क्योंकि वर्टिकली होना, यहां क्या ये जी कहां होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नो सीडियर ये यहां मान लीजिए कि यहां जी है, जी कहां होगा, यहां वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके तो बेटे जी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
अब यहाँ कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ बेटा यहाँ अलोंग दिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और बेटा ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ले ली। नो रिजॉल्व जी दिस जी, अगर ये थीटा नॉट है बेटा, मैंने कहा ना ये 90 है, ये यहाँ कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। अगर ये बेटा थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट होगा, याद है मैंने कभी कहा था आपको, अगर ये थीटा नॉट है ये भी थीटा नॉट है, कैसी, देखो बेटा अगर ये थीटा नॉट है यहाँ ये 90 है, तो पता है यहाँ कितना होगा, 90 माइनस थीटा नॉट, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अगर ये थीटा नॉट है ये 90 है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा नॉट, क्योंकि देन इनका इन तीनों का सम कितना आएगा, 180, ध्यान रखा। अगर ये थीटा नॉट है और ये 90 है, ये कितना हो गया यहाँ से, 90 माइनस थीटा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है इसके, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है बेटा, ये किसके बाद थीटा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा नॉट, ये और ये कैंसिल आ गया ना यहाँ से यहाँ तक 90। तो ये आप जबानी याद रखना कि यहाँ यहाँ जबानी ऐसे, अगर बेटा हमेशा हमेशा क्वेश्चन के लिए जबानी याद रखना, क्योंकि समझने के बाद फिर रट्टा लेना है। ये बेटा अगर थीटा नॉट है तो बेटा बताइए यहाँ हमेशा यहाँ ये भी कितना होगा, थीटा नॉट, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा ये अगर थीटा नॉट है तो ये कितना भी थीटा नॉट, तो ये जी का कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर आपको ये बात समझ में आई तो सब कुछ आसान, जी कॉस थीटा, और ये जी का कौन सा कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा नॉट, आई बात समझ में, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर एंड हियर इट्स कंपोनेंट इज जी कॉस थीटा नॉट, और यहां इसका क्या है, जी साइन थीटा नॉट, बिकॉज दिस इज थीटा नॉट, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा नॉट है, तो ये कितना होगा थीटा नॉट, तो जी का कंपोनेंट यहां क्या आएगा बेटा, जी कॉस थीटा नॉट, और जी का कंपोनेंट यहां क्या है, जी साइन थीटा नॉट, तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है बोथ अलोंग वर्टिकल, बोथ अलोंग वर्टिकल ऑफ दिस मोशन एंड बोथ अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो यहां एक्सेलरेशन देखो बेटा, ये यहां ये ए एक्स यहां जीरो नहीं होगा, नहीं होगा जीरो, बल्कि ये ए एक्स किसके बराबर है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये यहां होगा माइनस जी साइन थीटा नॉट, ये है प्रॉब्लम। यहां जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ी, वहां हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑनली क्या मान ली बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, and it has no effect on horizontal component, but here in inclined plane, here situation is different, here x component has acceleration, that is this side, this x, this is x component, dekho beta ye x iski acceleration aise aa rahi hai, aur ye g cos theta yahan act ho rahi hai iske opposite mein, aur g sin theta act ho rahi hai kiski horizontal component ke opposite mein, तो यहां एक जीरो नहीं है, यहां एक किसके बराबर है, माइनस जी साइन, माइनस क्यों है, क्योंकि दिस इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट हियर, बिकॉज आई हैव टेकन दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई, बात आई समझ में, बहुत आसान आसान सी बात। आप देखो बेटा ये याद रखो, ए एक्स तो ए वाई किसके बराबर है, ये ए वाई, ए वाई भी बेटा बराबर है यहां, ये ए वाई है, ये भी इसके अपोजिट में है ना, ये लिखेंगे आप माइनस जी कॉस थीटा नॉट, if you will take above positive and downward negative here, yahan upward ye positive le lo beta, downward negative, agar ye positive to yahan kya le lo, negative, this negative gets to be as positive, this above positive and down to be as negative, okay, aayi baat samajh mein, very nice, very nice and very nice, dekho beta tamasha, dekho आप निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत आसान है, समझ में आई बात, हाँ सर आई सर, कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, हाँ देखो बेटा, आप देखो तमाशा, देखो यहां अगर ऐसे ही लेंगे ना, ऐसे यहां यहां ऐसी 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 ऐसी, और यहां यहां देखो बेटा, यहां यहां देखो, यहां ये है यहां पार्टिकल, सपोज यहां जोलिंग मोशन, यहां तो यहां जी कहां एक्ट हो रहे हैं, नीचे, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये थीटा नॉट, ऐसी लिखो ना यहां थीटा नॉट, तो ये जी कॉस थीटा नॉट, और ये कौन सा कंपोनेंट है अपोजिट, ये है जी साइन थीटा नॉट, आई बात समझो, यही मेरे सिचुएशन, ये सिचुएशन मेरे यहां अगर पार्टिकल यहां रीच हो गया ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो यहां क्या आएगी, यह एक्ट हो जाएगी जी कॉस थीटा, दैट इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन हियर, अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और यहां क्या होगी जी का कंपोनेंट, यहां क्या होगा जी साइन थीटा, और ये होगी एक्ट अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, दैट इज हियर एक्स डायरेक्शन, तो हियर एक्सेलरेशन इज ऑन बोथ साइड्स, ऑन द वर्टिकल एज वेल एज ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन आम जो अभी तक हमने पढ़ी थी ना प्रोजेक्टाइल मोशन, हम सिर्फ ये मान लेते थे कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ओनली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन यहां बोथ डायरेक्शन में, दैट इज प्रॉब्लम हियर, दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप समझ में आ रहा है, ओके वेरी नाइस, सी डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान बात, बहुत आसान बात मेरे बच्चों, देखो बेटा क्या है, अब देखो ये भाई आप क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कहने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू ए, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम
taken by the projectile from point O to the point of hitting the inclined plane, that is A. कहाँ से कहाँ तक? It is from beta O to A मैंने लिखा. अब इसके लिए क्या निकालनी है? Time पता है तो पता है. The time during which projectile remains in air here on this inclined plane, and it is the time taken by the R. We can say beta. It is the time taken by the projectile from the point of projection to the point of hitting the ground. Okay, very nice. Any problem? नहीं बेटा. देखो बेटा क्या? देखो. See dear my students. अब expression निकालो इसके लिए. क्या निकालो? एक्सप्रेशन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. देखो बेटा एक्सप्रेशन किसके लिए निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. देखो बेटा क्या, तो यहां लेंगे यूजिंग वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट इज कौन सी बेटा? कौन सी? यहां निकालेंगे. देखो बेटा क्या है, यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर. किस डायरेक्शन में बेटा? मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करो. ये वर्टिकल डायरेक्शन में यूजिंग वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी. फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ टू ए, क्योंकि तभी निकलेगा ना बेटा. ओके देखो आप बेटा, देखो तमाशा, देखो तमाशा. सी डियर अब एस के बदले क्या आएगा? एस के बदले क्या लिखो? वाई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वाई लिखना है. और यू के बदले कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और टी. आईसी लिखो प्लस बेटा वन बाई टू ए के बदले बेटा ए वाई, और यहां लिखेंगे टी स्क्वायर. आई बात समझ? देखो बेटा क्या है, अब टाइम ऑफ जब यहां से यहां तक ये बारी आ गई, तो बताइए ये वाई किसके बराबर आएगा? वाई यहां जीरो आएगा. During time of flight, t y coordinate will become zero. Here is also y coordinate zero. लेकिन यहां बेटा time of flight बिल्कुल zero है. क्यों? क्योंकि यहां से initial time है. लेकिन इस point B पर अगर y zero लेंगे, तो ये time आ गया time of flight. क्योंकि यहां से यहां तक कितना time? आई बात समझ में? लिखोगा एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ए वाई इज इक्वल टू जीरो. वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो. किस कहां पर? ए पर. लेकिन यहां से यहां तक टाइम कितना हुआ? देन एट पॉइंट ए इज वाई इज इक्वल टू जीरो, देन टाइम कितना लेंगे? एट देन टी इज इक्वल टू टी लेंगे, कैपिटल टी. दैट इज दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. थोड़ा समझ लो, किस पॉइंट पर टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे? स्मॉल टी कब? यहां से यहां तक ये टी कब कैपिटल टी बनेगा? एट पॉइंट ए इफ वेयर वाई इज, एट पॉइंट ए वेयर वाई इज जीरो, क्योंकि वाई तो जीरो है ही है वहां, देन टी क्या बनेगा? टी देन टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बेटा ऐसे, देखो वाई के बदले क्या लिखेंगे? वाई तो जीरो आ गया. यू वाई किसके बराबर? ये यू वाई है, ये बेटा यू वाई है. यू वाई किसके बराबर है? यहां यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट. किसके बराबर? यू वाई किसके बराबर? यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट. और ये कौन सा कंपोनेंट था? यहां ये वाला कंपोनेंट, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी का. यहां लिखेंगे बेटा ये कंपोनेंट है, ये यू एक्स, और ये है यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट. ये थोड़ा सा याद रखो. लेकिन मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं है इस वक्त. इसके इस वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल यू वाई किसके बराबर है? यहां यू साइन थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक थीटा माइनस थीटा नॉट, तो ये कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट. ओके आई बात समझ में? तो बेटा यहां लिखेंगे, लिखा मैंने यहां, हाँ आप क्या लिखेंगे? इंटू टी. टी क्या है? कैपिटल टी. यहां ऐसे लिखेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे. यहां देखो बेटा जीरो वाई, तो यू वाई किसके बराबर? यू वाई यहां इक्वेशन थी ना बेटा, बेटा ये इक्वेशन थी. y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर. देखो बेटा यू वाई क्या लिखेंगे? यू वाई लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट. यू वाई लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू टी. टी क्या बन गया? क्योंकि जब y जीरो है तो d स्मॉल d क्या बने? ये t, इंस्टा पर टाइम बनेगा, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल t बनेगा. बेटा यहां क्या लिखेंगे आप इसके में? देखो बेटा क्या लिखेंगे, प्लस वन बाई टू आप लिख रहे हैं ए वाई. ए वाई कहां है? ये ए वाई है, ये ए वाई है. ए वाई क्या है बेटा? यहां माइनस जी कॉस थीटा नॉट. मैंने पहली कंपोनेंट निकाले, क्या क्या एक्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में? माइनस जी कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा माइनस जी कॉस थीटा नॉट ऐसी इंटू टी स्क्वायर. इंटू यहां लेकिन कैपिटल टी स्क्वायर लिखना, कैपिटल टी स्क्वायर लिखना. ओके आई बात समझ में? अब निकालो इसको, यहां भेजो, तो यहां क्या बनेगा? ये माइनस यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू टी इज इक्वल टू, यहां क्या बेटा? प्लस माइनस, माइनस वन बाई टू जी कॉस थीटा नॉट टी स्क्वायर. बेटे इसको मैंने यहां ले लिया, तो ये माइनस बन गया. यहां क्या है? यहां तो प्लस माइनस, माइनस वन बाई टू जी कॉस थीटा नॉट टी स्क्वायर. एक टी और टी क्या हो गया? कैंसिल. बता बेटा, आ गया हमारा क्वेश्चन. गुड, वेरी नाइस.
तो बताए यहां क्या, ये माइनस और माइनस क्या हुआ, कैंसिल। बताए यहां क्या, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू, क्योंकि ये माइनस माइनस तो माइनस कैंसिल, वन बाई टू जी माइनस जी बाई टू। और बेटे यहां क्या है, कॉस थीटा नॉट, और यहां है बेटे टी। अब टी निकलेगा ना यहां, ओके वेरी नाइस सी डियर स्टूडेंट, वेरी नाइस। देखो बेटा तमाशा, ये आएगा किसके बराबर, देखो बेटे ये क्या, इसको इसके साथ जरा दे दो, ये टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, क्योंकि टू को इसके साथ जरा दे दिया क्योंकि इसका वन लिखा, इसको इसके साथ और इसको किसके साथ, इसके साथ जरा बेटा एक्चुअली ये है, यहां लिखिए देखो बेटा, देखो आप भी खाते लिखिए, ये कंपोनेंट है यू वाई किसके बराबर, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ये है यू वाई किसके बराबर, यू वाई ओके okay, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि g बाई टू यहां क्या था बेटा, g बाई टू कॉस थीटा नॉट टी। तो बेटा टी को यहां ले लो, इसको इसके साथ जरा दे दो, क्यों इस ठीक है ना, ये किसके बराबर है, ये टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू यहां, ये बेटे किसके बाद, g cos थीटा नॉट इंटू टी। बता टी किसके बराबर रहेगा, टी ये टी किसे, ये यहां डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड क्या करेंगे बेटा, बता डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे g cos थीटा नॉट। ओके दिस इज टाइम अप्लाइड इन एन इनक्लाइनेड प्लेन, आई बात समझ में आया, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई जी कॉस थीटा, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर थीटा थीटा माइनस थीटा नॉट इज दिस एंगल दैट दिस यू मेक्स दैट दिस यू मेक्स विद द इंक्लाइन प्लेन, दिस दिस एंगल इज थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड यहां से यहां तक थीटा नॉट, यहां से यहां तक थीटा, यहां से यहां तक थीटा, यहां से यहां तक थीटा नॉट, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक थीटा माइनस थीटा नॉट है। ओके वेरी नाइस, हो गया हमारा, अब ये जबानी याद रखो, जबानी याद रखो टिप ऑफ द टंग, क्योंकि ये काम आएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, क्या निकालेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट, क्या निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट ये यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक वर्टिकल हाइट फ्रॉम द इनक्लाइनेड प्लेन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज दिस, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक क्या है, the vertical height, the maximum vertical height attained by the projectile during its motion, but on this inclined plane. तो यहां से यहां तक क्या होगी ये maximum height? इसके लिए expression निकालो, देखो बेटा क्या है, ये याद रखो टू यू साइन थीटा माइनस क्या निकाला हमने यहां, ये बेटा जबानी याद रखो टाइम पीरियड, यहां 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 लिखिए टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड में क्या है जी कॉस थीटा नॉट, ये याद रखो काम आएगा आगे आगे बेटा, देखो बेटा अब मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट के लिए आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे लेकिन सीधे एक्सप्रेशन निकालेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है, देखो बेटा क्या है मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दिखाएंगे आपकी खातिर, परेशान तो नहीं हो जाएगी, ये तो ये है बेटा, ये ऐसे ऐसे है, यहां से यहां तक ये एच मैक्स है, ये एच मैक्स है, ये एच मैक्स, यहां से यहां तक, यहां से, ओके आई बात समझ में, ये है यू और बेटा ये है यहां वाई और बेटा यहां है ये एक्स, यहां बेटा ये थीटा नॉट है, यहां से यहां तक ये थीटा है, लेकिन यहां यहां ये थीटा माइनस थीटा नॉट, एक बार फिर क्योंकि कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो बेटे क्या है, आप देखो देखो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम देखो एच मैक्स, ये इसके लिए आप एक्सप्रेशन, इसके लिए भी क्या बेटा यहां यूज करेंगे वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यूज करेंगे वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बेटे क्या है, Using s is equal to ut plus 1 half a t square along y direction. Along इस direction, ये y direction है. Along y axis. तो क्या लिखेंगे बेटा? लेकिन कहां से कहां तक? From 0 to maximum. यहां कुछ point ले लो, यहां यहां ले लो कुछ. 0 to p, p means maximum. That is from 0 to p, p, p here is maximum point. That is maximum height point. यहां से height maximum आ रही. मान लीजिए कि यहां maximum height आ रही. तो देखो बेटे क्या है, देखो बेटे क्या है, आप क्या करेंगे, वी नो दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, लेकिन टी कितना है, टू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई जी कॉस थीटा, तो बेटे टी बाई टू टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर, टी बाई टू, यहां पर डिवाइड करो ना टू, टू टू कैंसिल, तो ये क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई जी कॉस थीटा नॉट, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, ये जबानी याद रखो, यहां
क्यों इसका फॉर्म आएगा ना हाफ, क्योंकि ये यहां से यहां तक कितना टाइम है ये, लेकिन यहां से यहां तक कितना टाइम, टी बाई टू यो साइन, इसको डिवाइड हो जाएगा टू, तो ये क्या आएगा, यो साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई जी कॉस थीटा नॉट। ओके यू हैव गॉट दिस। अब देखो बेटा, दैट इज फ्रॉम जीरो टू पी, ओ टू पी, ओ टू पी। देखो बेटा, एस के बदले क्या लिखेंगे आप, एस के बदले लिखेंगे बेटा एच मैक्स, पहले लिखेंगे वाई वाई, पहले वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू यहां यू के बदले यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए के बदले ए वाई टी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। अब वाई क्या, वाई इफ टी, इफ टी, इफ दिस टी इज इक्वल टू दिस टी, दिस टी दैट इज टी बाई टू दैट इज दिस टी, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई जी कॉस थीटा नॉट, क्योंकि ये टाइम ऑफ एसेंट है। देन एट द टाइम इट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट एच मैक्सिमम के बराबर, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, देन देन दिस वाई, देन वाई विल बिकम एच मैक्स, देन एच विल बिकम एच मैक्स। इफ दिस इज टाइम ऑफ एसेंट हियर, इफ टाइम ऑफ एसेंट, इफ दिस टी, इफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, दैट यहां यहां से यहां तक टाइम, देन यहां वर्टिकल हाइट कितनी आएगी, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक, ये एच बनेगी, क्या बनेगी बेटा, वाई इज इक्वल टू एच मैक्सिमम। तो दे दो इसमें समझो, तो हो गया हमारा क्वेश्चन, वेरी इजी बेटा, वेरी वेरी इजी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो। वाई के बदले क्या लेंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू यू वाई के बदले क्या, यू वाई बेटा, ये यू वाई है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू टी, टी कितना लिख रहा है, टी ये लिख रहा है बेटा, ये लिखो टी, ये टी, ये टी इसका हाफ, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट यहां से यहां तक कितना लिखेंगे बेटा, यहां यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाय जी कॉस थीटा नॉट। आई बात समझ में, अब प्लस क्या लिख रहे हैं, प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर, यहां लिखेंगे बेटा प्लस वन बाई टू ए वाई, ए वाई कितनी है, ए वाई यहां माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, बेटा यहां से यहां तक टी, इट इज हाफ ऑफ दिस टाइम पीरियड, तो कितना है यहां, अगेन यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाय जी कॉस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर, इसका बेटा यहां स्क्वायर। ओके आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आई समझ में। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, यहां से यहां तक ही एच मैक्स, यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां अगेन ये लिखेंगे, यहां रिपीट करेंगे, एच मैक्स किसके बराबर है, एच मैक्स यहां बेटा देखो, देखो यहां ये एक्चुअली यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई बेटा जी कॉस थीटा नॉट, यहां बेटा क्या है, प्लस माइनस आप करेंगे ना, ये भी है और यहां यहां तक है, क्यों, दिस इज यू वाई इंटू टी, दिस इज प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर, टी का वैल्यू है ना यहां टाइम ऑफ एसेंट यहां से यहां तक कितना है, यू साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा, वही लिखा मैंने बेटा, और एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, और इनिशियल कंपोनेंट क्या है, ये बेटा। ओके तो यहां मैं लिखूंगा आप यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट जी कॉस थीटा नॉट, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस वन बाई टू बेटा यहां लिखेंगे क्या, जी कॉस थीटा नॉट बेटा क्या लिखेंगे यहां, ओके जल्दी जल्दी लिखो, कॉस थीटा नॉट और इंटू यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाय जी कॉस थीटा बेटा यहां करेंगे इसका स्क्वायर, यहां स्क्वायर है इसका, इसका स्क्वायर है। ओके आई बात समझ में, हां हां बेटी, हां बेटा सर आई इस बात समझ में। देखो बेटा ये फिर ये लिखा मैंने और ये यहां इसका यहां स्क्वायर है, तो मैंने यहां इसका स्क्वायर लिखा, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट जी कॉस, ये यहां जी कॉस थीटा नॉट है, जी कॉस थीटा नॉट है बेटा, यहां गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये जी कॉस थीटा नॉट है यहां क्वेश्चन, क्वेश्चन में। ओके देखो बेटा क्या है, अब देखो तमाशा, इसको फिर वाई लिखेंगे ना यहां, थोड़ा यहां ये आपको पता है कि ये वाई है यहां बेटा, ये वाई है, देखो क्या अब एच मैक्स किसके बराबर आएगा, एच मैक्स देखो बेटा, एच मैक्स किसके बराबर आएगा, यू साइन, देखो बेटा यहां यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट यू साइन थीटा दैट इज यू स्क्वायर, ये आएगा यू स्क्वायर यू इंटू यू यू स्क्वायर, साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, अब ये सॉल्व करना ये वाला, देखो बेटा क्या अब यहां ड्रॉप करेंगे, हाँ हाँ बेटा ड्रॉप करेंगे, देखो बेटा क्या यहां प्लस माइनस क्या है, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है ना, माइनस जी कॉस थीटा नॉट, लेकिन डिवाइड में क्या है, टू टू माइनस वन बाई टू लिखेंगे,
माइनस वन बाई टू जी कॉस थीटा नॉट, ये यहां भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इंटू लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। आ गई बात समझ में? तो डिवाइड में भी क्या लिखेंगे, डिवाइड में भी बेटा डिवाइड जी का भी स्क्वायर है और कॉस थीटा नॉट का भी स्क्वायर, तो बेटा लिखेंगे जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां लिखेंगे थीटा नॉट। ओके आई बात समझ में? ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, देखो क्या है, अब हमारा क्वेश्चन वेयर वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, एक जी और जी कैंसिल इसके साथ, ठीक है ना, वेरी नाइस। एक कॉस थीटा नॉट और एक कॉस थीटा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम आएगा यहां यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा नॉट माइनस यहां, यहां बेटा एक तो ये कैंसिल जी और जी कैंसिल, यहां क्या आया माइनस आएगा डायरेक्ट माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, डिवाइड में क्या आएगा बेटा एक जी बच गए ना, जी और एक कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट। आई बात समझ में? हाँ सर, ये क्या है यहां, यहां ये एच मैक्सिमम है, क्या है एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम किसके बराबर है ये, अब देखो बेटा क्या है यहां वन बाई टू भी है, हाँ वन बाई टू है ना, यहाँ वन डिवाइड बाई टू, ये टू डिवाइड। अब डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए बेटा यहां यहां जी कॉस थीटा नॉट डिनोमिनेटर है, यहां क्या है टू जी कॉस थीटा नॉट, अब यहां से भी टू से सॉल्व करेंगे और बेटा यहां से भी टू से, तो ऐसा करने से डिनोमिनेटर सेम आएगा और वी कैन राइट दिस इजीली। ओके वेरी नाइस, नाउ वी आर नाउ वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो एच मैक्सिमम किसके बराबर लिखेंगे, एच मैक्सिमम बेटा लिखेंगे यहां, यहां लिखेंगे ट्वाइस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, लिखा हमने क्या लिखा बेटा ट्वाइस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, माइनस क्या करेंगे बेटा माइनस, फिर बैड में लिखेंगे बेटा बैड में, माइनस क्या है यहां यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां से यहां मैंने लिखा है। डिवाइड क्या है, डिवाइड आगे यहां ये भी टू जी कॉस थीटा, यहां भी टू जी का, तो एक ही लिखेंगे टू जी कॉस थीटा नॉट। आई बात समझ में? बात आई समझ में? तो एच मैक्स किसके बराबर आएगा, एच मैक्स बता बेटा एच मैक्स किसके बराबर आएगा, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू, दो में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट बाय टू जी कॉस थीटा नॉट। ये आ गई एक्सप्रेशन किसके लिए बेटा, एच मैक्सिमम के लिए, किसके लिए एच मैक्सिमम के लिए, किसके लिए एच मैक्सिमम के लिए। अब हॉरिजॉन्टल रे निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रे, आई बात समझ में? कुछ भी नहीं है लेकिन समझ लो ये आसान है इसे भी, लेकिन थोड़ा पहले पहले टफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिवाइज करोगे प्रैक्टिस करोगे समझोगे तो आसान है, आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। ओके देखो आपके अब लास्ट में क्या करेंगे, आखिर में क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज और इसके साथ ही अलविदा करेंगे आज के लेक्चर को। अब आखिर में क्या करेंगे बेटा, आखिर में क्या करेंगे यहां देखो बेटा, यहां तो यहां आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे सबसे, यहां जो है ना यहां बेटा कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां यहां ये यो था और ये कौन सा कंपोनेंट, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आपको पता है, ये यहां यू कॉस, ये क्या है ये यहां था ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा माइनस और ये कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस। आप देखो बेटा तमाशा, आप क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो बेटा कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन, अलॉन्ग अलॉन्ग है किस डायरेक्शन, अलॉन्ग बेटा किस डायरेक्शन में निकालेंगे, किस डायरेक्शन में निकालेंगे बेटा, ये यू है, किस डायरेक्शन में निकालेंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो बेटे एस के बदले क्या लिखेंगे, एस के बदले लिखेंगे एक्स और यू के बदले यू एक्स, कंपोनेंट में लिखेंगे वन बाई टू, हमेशा की तरह एक्स टी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखेंगे यहां से यहां तक टाइम, यहां से यहां तक जो टाइम लगे ना दैट इज टाइम अप्लाइड, टाइम अप्लाइड के दौरान कितनी उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की इंक्लाइनर प्लेन पर, दैट इज हियर हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज हियर, the horizontal distance traveled along the inclined plane during the time of flight is known as horizontal range but on the inclined plane, to o se a tak jo distance hai na yahan, that is here, this is not horizontal range here, this is not, this is horizontal range here, okay aayi baat samajh mein, very nice, to ye hai oe,
OA डिस्टेंस हियर इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये क्या लिखेंगे बेटा, यहां यहां से यहां तक क्या लिखेंगे एक्स, लेकिन इसको आर भी आर से भी डिनोट करते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू आर। ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर। तो एक्स इफ यहां लिखेंगे इफ टी इज कैपिटल टी, इफ टी इज कैपिटल टी मीन्स एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, देन एट दैट टाइम, देन बेटा देन देन एक्स, देन एक्स डिस्टेंस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज नोन एज रेंज। क्या कहते हैं, इफ टाइम ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, then this x is equal to range but on the inclined plane। आई बात समझ में, OA के बराबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। ये r किसके बराबर, ये OA के बराबर है यहां। ओके वेरी नाइस, तो यहां लिखो बेटा x के बदले क्या लिखेंगे आप, x के बदले r लिखो। और ux किस किसके बराबर, ये ux किसके बराबर, ये ux बेटा, ये ux है यहां, ये कंपोनेंट है u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, किसके बराबर है u cos थीटा माइनस थीटा नॉट इन टू टी। ये टी किस किसके बराबर है, टी अभी निकाला था ना बेटा, टी टी निकाला है टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई टू सॉरी सॉरी जी कॉस थीटा नॉट, ये निकाला हमने टी। तो टी के बदले क्या वैल्यू दे दो यहां, टी टी के बदले क्या दे दो यहां, पहले यहां ये लिखो, पहले यहां ये लिखो, पहले बेटा ये लिखो x के बदले r और ux ऐसे लिखो ux, और स्मॉल t के बदले क्या लिखेंगे कैपिटल t प्लस 1 बाई टू। x के बदले कौन सा कंपोनेंट लिखे, ये वाला, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है, लेकिन इससे पहले जो केसेस थे इसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं थी, लेकिन यहां है, कितनी है x माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा ये लिख रहे हैं। तो x के बदले क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन थीटा, और टी टी कैपिटल टी है फिलहाल, कैपिटल टी स्क्वायर लिखेंगे। ओके अब टी के बदले क्या दे दो बेटा, ये, और यू एक्स के बदले क्या दे दो, यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो हमारा क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा टफ है, मैं मानता हूं टफ, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। टफ क्या होता है, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो बेटा, मेहनत करने से सब कुछ होता है, मेहनत करने से खुदा भी मिलता है, खुदा भी मिलता है बेटा। तो क्या लिखेंगे आप, आर लिखेंगे यहां, आर ऐसी, तो यूएक्स के बदले क्या लिखेंगे, यूएक्स के बदले यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट बेटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस, नहीं टी 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 किस किसके बाद, t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई बेटा क्या, अब ये थोड़ा ये मिटाएंगे, फिर एक बार फिर लिखेंगे, मिटाएंगे यहां क्वेश्चन की खातिर, टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां बेटा क्या है डिवाइड में जी कॉस थीटा नॉट, तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस वन बाई टू जी साइन थीटा, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है बेटा, थीटा नॉट, दिस इज नॉट जी साइन थीटा, दिस इज जी साइन थीटा नॉट, थीटा नॉट है बेटा। टी से क्या, टी के बदले क्या लिखो, अगेन अगेन यही लिखो, क्या लिखो टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई जी कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, ये यहां लिखेंगे और यहां फिर साफ लिखेंगे। ओके आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, आगे जाए सर, गो एट गो हेड सर। तो देयरफॉर आर किसके बाद आएगा, आर बेटा यहां, यह ऐसी लिखो, देखो बेटा क्या है, देखो यू इंटू यू क्या आएगा, यू स्क्वायर टू, पहले टू यू स्क्वायर, फिर लिखेंगे, लिखो यहां साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, फिर लिखो ये कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, तो डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में जी कॉस थीटा नॉट। अब ये संभालो, संभालो ये माइनस वन बाई टू जी साइन थीटा नॉट, जी साइन थीटा नॉट बेटा, ये किसके बराबर आएगा, ये इसका भी स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे टू स्क्वायर क्या आएगा फोर, यू स्क्वायर क्या आएगा, ये स्क्वायर है ना यहां, यहां सारे का स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहां क्या आएगा बेटा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, डिवाइडेड में क्या करेंगे, जी का भी स्क्वायर और कॉस थीटा नॉट का भी स्क्वायर है, जी कॉस थीटा नॉट इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो यहां जी स्क्वायर लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। आई बात समझ में, आई बात छोड़ा समझ में, हां सर आई बात समझ, आई सब कुछ आया समझ में बेटा, हाँ सर ओके वेरी नाइस। तो निकालो, जो निकालेंगे यहां वही निकलेगा रेंज, देखो बेटा क्या है रेंज किसके बराबर है, आप देखो तमाशा, एक जी ओ जी कैंसल, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, ओके वेरी नाइस, कुछ है यहां नहीं, नहीं अब बस इतना ही है। तो यहां क्या आएगा, आर किसके बराबर आएगा, यहां लिखेंगे यार आर आएगा बराबर बेटे किसके बराबर, यहां यहां कुछ कॉमन भी आएगा, कुछ कॉमन निकालो, चलो चलो निकालेंगे काम, यहां किसके साथ बेटा, देखो यहां पहले संभालेंगे, पहले संभालेंगे फिर काम, टू यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और बेटा यहां कॉस, हाँ
कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट बेटा, इसकी मैं क्या है डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा नॉट। माइनस क्या है बेटा माइनस, यहां संभालो इसको, यहां ये साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू क्या है टू यू स्क्वायर, फिर क्या है साइन स्क्वायर, साइन साइन थीटा माइनस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स साइन थीटा माइनस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके आई बात समझ में, ये साइन है। ड्यूल में क्या है बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब देखो क्या है, अब कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन यहां निकालेंगे बेटा। देखो बेटा यहां जी कॉस थीटा नॉट है ना, यहां जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए यहां मैं बेटा किसे ज्यादा दूंगा, यहां भी कॉस थीटा से और बेटा नीचे भी किसे ज्यादा दूंगा कॉस थीटा से। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुझे डिनोमिनेटर सेम आएंगे, डिनोमिनेटर क्या आएंगे सेम। ओके तो देखो बेटा देखो आर किसके बराबर रहेगा, आर आप क्या लिखेंगे टू आइस यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहां बेटा लिखेंगे कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, बेटा क्या लिखेंगे यहां, यहां कॉस थीटा है, अब कॉस थीटा है यहां, तो बेटा माइनस क्या लिखेंगे यहां, माइनस क्या शाबाश डिवाइड में क्या है, डिवाइड में यहां बेटा क्या है जी जी इंटू यहां थीटा नॉट, थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट से जरूर दो यहां भी और यहां भी, तो ये क्या आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। माइनस किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस माइनस आएगा बेटा ये साइन थीटा नॉट और टू यू स्क्वायर, बेटा किसके बाद टू स्क्वायर और क्या है यहां साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके वेरी नाइस, तो बेटा यहां है जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। देखो बेटा क्या अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन निकालो दोनों में, दोनों में कुछ कॉमन आएगा, जल्दी निकालो टाइम खत्म हुआ बेटा, टाइम खत्म हुआ चाहता है। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा जल्दी करो देखो क्या है, तो क्या कॉमन आएगा टू यू स्क्वायर इसके बाद क्या है साइन थीटा एक निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा एक निकालेंगे, यहां क्या बढ़ जाएगा लिखो आर इज इक्वल टू, ये कॉमन निकालेंगे टू यू स्क्वायर एक साइन निकालो साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये कॉमन क्या है यहां, ये भी कॉमन डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो अंदर क्या रहेगा बेटा बताइए, अंदर क्या रहेगा यहां, अंदर क्या रहेगा बेटा यहां कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके और क्या बचा यहां कॉस थीटा, आई बात समझ में, आप मिटाएंगे इसको मिटाएंगे, ये जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, पड़ेगी तो नए सिरे से बनाएंगे, अगेन ड्रॉ करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। देखो बेटा क्या है कॉस थीटा माइनस ये यहां कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट और इंटू क्या है यहां कॉस थीटा से जरा दे दिया था, हाँ कॉस थीटा नॉट से शायद जरा कॉस थीटा नॉट से जरा दिया था, तो बेटा माइनस क्या है यहां, यहां क्या है यहां भी कॉमन क्या आएगा टू कॉमन यू स्क्वायर कॉमन, और इसमें से एक निकाला मैंने, और ये भी यहां क्या बचा साइन थीटा नॉट, ये बच गया और इसमें से एक बच गया, क्या बच एक तो कॉमन निकाला यहां, लेकिन ये स्क्वायर था ना एक यही रहेगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बेटा। अब देखो नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सी डियर अब दिस इज दीज आर द टाइम मोमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, और इसके साथ ही अलविदा करूंगा। तो आर बेटा किसके बराबर आएगा, आर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। देखो बेटा दिस इज कॉस ए, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये ए एंगल है, ये देखो बेटा यहां ऐसे इसको ऐसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं, चलो लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे। देखो यहां क्या है कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, और बेटा ये कॉस थीटा नॉट है, मैं पहले यहां ये लिखूंगा साइन थीटा नॉट, कुछ भी यहां ये ले लो यहां ये, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी बेटा। देखो साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहां लिखेंगे साइन थीटा नॉट, बताइए कौन सी प्रॉब्लम, देखो कौन सी फॉर्मूला है ये, ए कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होती है, देखो ये फॉर्मूला है बेटा, देखो बेटा यहां को फॉर्मूला लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होती है बेटा बराबर कॉस ए प्लस बी, किसके बाद होती है कॉस ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, क्या होती है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होती है कॉस ए प्लस बी, करो तो हमारा क्वेश्चन आ गया आर इज इक्वल टू ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट,
तो ये क्या आ गई फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो ये है कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट प्लस प्लस लिखेंगे बी, बी किसके बराबर है, ये ए है ये बी है प्लस बी माइनस थीटा नॉट, ये थीटा नॉट, ये ए और ये बी, तो प्लस बी करो बी क्या है थीटा नॉट, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो थीटा नॉट और थीटा नॉट कैंसिल, तो बेटा बताए आर किसके बराबर है, आर आएगा बराबर ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय, यहां क्या है बच बच गया क्या कॉस थीटा, क्या बच गया कॉस थीटा, डिवाइड में क्या आएगा डिवाइड में जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर खत्म हुआ करता हूं, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ओके वेरी नाइस।